सरदार समाज है, 8 दिन ये इस गांव में काम करने का, काम खत्म हुआ तो दूसरे गांव में जाने का, जो ऐसे भटकंती में रहते थे अभी तक, जब तक 96 में हम यहाँ आए। ये गायरन की जमीन थी, गायरन बोल के वही गायरन की जमीन थी, वही जमीन पे हम पहले वो उधर थे रिंग रोड को बैन से PWD की जगह पे रहते थे, वहाँ से उठाया तो यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद फिर ये बोस्ती ऐसी थी, एक दिन में एक दो सांपा निकलते थे, एक दो तीन ऐसे सांप स्नैक्स निकलते थे। हाँ, पहले जंगल एरिया था, जंगल एरिया और झाड़ी एरिया ऐसा था, और दलदल तो ऐसा था, बारिश काल में 1 फीट 1.5 फीट अंदर पैर जाता था, ऐसा था दलदल यहाँ पे। तो 96 में कौन बसाया आपको इधर? हमारे जो हरिभाऊ गायकवाड़ जो है भटकंत के संगठन के हरिभाऊ गायकवाड़, उन्होंने इधर लाया हमारे को, यहाँ पे बसे। तो हमारे जो ऐसे छोटे जो झोपड़े हैं ना पेलोर की, ऐसे थे ये घर नहीं थे हमारे 96 में। ये तो अभी कुछ समय पहले, ये 2004 में बना। उससे पहले आप पुणे शहर में अलग अलग जगह में रहते? हाँ, अलग शहर में, गांव में कहाँ काम मिले वहाँ पे जाने का। और 3 महीना ही यहाँ रहते थे? 3-4 महीने यहाँ रहने का। अब उससे पहले तो काम भी रहने का, बारिश काल में भी उधर ही रहते थे। अभी जब यहाँ पे बसे, यहाँ पे बसने के बाद 3-4 महीने बारिश काल में यहाँ पे आने का, फिर बाकी दीपावली के बाद यानी अक्टूबर के बाद बाहर। तो इससे अंतर क्या हुआ? पहले तो आप कभी मतलब 12 महीना में कभी भी वापस नहीं आते थे? कभी भी नहीं आते थे। अभी कम से कम एक जगह वापस नहीं, एक जगह तो आए। उससे क्या अंतर हुआ? कुछ चेंज हुआ? लोग मतलब बच्चे पढ़ने लगे? बच्चे पढ़ाई का अभी क्या, अभी भी यहाँ भी जगह मिली फिर भी पढ़ाई का क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ 4 महीने माँ बाप के साथ बच्चे रहते, और जब माँ बाप काम को जाते उनके साथ बच्चे निकल जाते, उनके रहने का ठिकाना नहीं। हॉस्टल में तो ये बच्चे की आदत नहीं रहने की, क्योंकि वहाँ पे ठीक तरह से नहीं रहता बोल रहे बच्चे। एक दो बार डाले थे हॉस्टल में भी, बाल गृह अभी अनाथ आश्रम से रहने की आदत। 4 महीना वापस आते तो वापस स्कूल में जिसमें वो पढ़ता है, स्कूल वाले नहीं करते? स्कूल वाले जाते, स्कूल में जाते, स्कूल वाले वापस ले लेते। अब पढ़ाई कुछ नहीं आती उसमें, काम को खुदाई का काम रहता है। अभी जो नो बौड़ी पानी का बौड़ी जो बनाते हैं ना, अभी हमारे लोगों के पास क्रेन है वो मटेरियल निकालने का बौड़ी में का, तो भी कम होगा। हाँ, वो क्रेन में से मटेरियल निकालते, वो क्रेन ड्राइवर अभी इतना बच्चा हुआ तो उसको ड्राइवर बनाते क्रेन का। अच्छा, दो बार ऐसे हर परिवार में कितने बच्चे होते हैं? हर लोग कितने रहते हैं? 2-3-4-5 5 तक है बच्चे एक फैमिली में। उसमें भी एक को उसी काम में लगाएंगे, ड्राइवर बनाएंगे? कभी ड्राइवर बनाएंगे और थोड़ा बड़ा हो तो वही काम पे लगाएंगे। अभी छोटा है जब तक ड्राइवर बनाएंगे, और वो थोड़ा बड़ा हुआ काम से करने के लायक हुआ तो काम पे लगा देंगे। तो अच्छी बात है ना, वो परिवार का हाथ बढ़ा रहा है काम। हाथ बढ़ा रहा है मगर शिक्षा के और बाकी का नॉलेज उसको नहीं मिलता ना, फिर उससे क्या होगा वो नॉलेज? अब खाली ऐसे ही काम करते जिंदगी गुजारना है, ये ऐसा तुम्हारे को ठीक लगता है क्या कि बाबा ऐसा अनपढ़? अभी जो काम पर जो पुराने बुजुर्गों का काम है वही काम कंटिन्यू करते रहना, ये अच्छा लगता है। कुछ नया करना चाहिए उसे, कोई थोड़ा पढ़ा 8वीं 9वीं 10वीं तो पकड़ा, कोई तो कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई तो ट्रेनिंग करके, कोई तो प्रोडक्शन में जाएगा, कोई कंपनी में जाएगा, कुछ तो पढ़ना चाहिए वो बच्चा। और खेती बाड़ी का नहीं सोचते? खेती बाड़ी तो हमारे यहाँ लातूर यहाँ पे तो किसको भी नहीं है। अगर ये क्यों नहीं है मतलब खेत देते तो करते, खेत देते तो करते, होता तो करते थे ना, मगर इनकी हैसियत नहीं ना खेती लेने की। अभी हैसियत वाली बात है। हाँ, नहीं अगर होता तो करते, होता तो करते। महाराष्ट्र में वडार जात, अभी कर्नाटक का देखिए तो वडार समाज ST में, केरल में देखिए तो ST में, आंध्रा में SC में, फिर हम स्टेट लेवल पे NT में, VGNT में, और सेंट्रल लेवल पे OBC में,
तो फिर अंतर क्या होता है, तो सबको फायदा? क्योंकि एससी एसटी को जो फैसिलिटीज है सेंट्रल लेवल के, वो ओबीसी को, ओबीसी के जो जाति जीते हैं वो 392 के आसपास है ओबीसी में, और एनटी में टोटल मुख्य जाति 14 है और उसके उप जाति ऐसे मिलके 38 है। अभी मुख्य जाति बोलते हमारा ओडार समाज है, ओडार समाज में सुधा 4 के ओडार के है, अभी माती ओडार है, गाड़ी ओडार है, पात्र ओड है और जाति ओडार है, ओडार में भी 4 ओडार, ओडार जाति है यहाँ पे महाराष्ट्र में एनटी में, और एनटी को स्टेट के फैसिलिटीज नहीं है, जैसे कि बौद्ध समाज को, एससी को, एसटी को, जो स्टेट के जो आरक्षण है वो आरक्षण एनटी को नहीं है, एनटी को कोई भी आरक्षण तो मिला के लिए क्या? फिर समाज ने आंदोलन छेड़ा या लड़ाई की? अब आंदोलन के लिए जरूरी है शिक्षा की, बिना शिक्षा के नहीं? हाँ, आंदोलन बिना शिक्षा के उनको समझ आरक्षण क्या है ये मालूम नहीं ना, जो स्टेट के और सेंट्रल के जो फैसिलिटीज क्या है ये तो मालूम होना जरूरी है, फिर तो लड़ पाए। हाँ, अब हमारा हक क्या है, हक क्या है ये मालूम होना, इसलिए अब उनको कुछ भी नहीं, खाना पीना सोना, और सुबह उठ के जाना काम पे और शाम को आना खाना पीना, उनके इसके सिवा कुछ बाहर का मालूम नहीं है, तो शिक्षा से ही हो सकता। हाँ, अब जब उसको शिक्षा हुई तो कुछ पढ़ेगा तो कुछ जनरल नॉलेज मिलेगा, बाहर की भी मालूम होगी, अभी हमारा हक क्या है, हमारे हक के लिए क्या करना चाहिए वो मालूम उनको होना चाहिए। अभी आपका मुख्य परिवार में आपका लड़का कितने बच्चे हैं आपके? अभी मेरी बड़ी बेटी है 9वीं को, अभी है 7वीं को, दोनों शुरू से आपने पढ़ाया, शुरू से इनका पढ़ाई छूटने नहीं दिया? नहीं नहीं। तो आपकी तरह और भी अगल बगल वाले सारे लोग ऐसा करते हैं? हाँ है ना, मेरा अभी एक भांजा बहन का बेटा MBA का कंप्लीट, MBA किया, और एक यहाँ पे लातूर को त्रिपुरा कॉलेज है ना वहाँ पे साइंस पढ़ रहा है मेरे बहन का बेटा। तो धीरे धीरे हालात लोग सोच रहे हैं शिक्षा? हाँ, तो अभी शिक्षा के लिए अभी 0.5 लोग ये सोच रहे, 99.5 लोग ये शिक्षा की तरफ नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वो शिक्षा का महत्व उनको समझ में नहीं आ रहा। तो क्या करना चाहिए, कैसे उन्हें पता चलेगा? उनको एक मानसिक रूप पे डेवलप करना चाहिए, जो माँ बाप है अपने बच्चों को पढ़ने से क्या फायदा है, और तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है यहाँ पे उपलब्ध करके देने वाली एक यूनिट चाहिए, बाबा तुम्हारे बच्चे पढ़ने से क्या फ़ायदा है, नहीं पढ़ने, अभी एक माँ बाप के पास गया मैं, तुम्हारे बच्चों को स्कूल भेजा, अभी मैं पढ़ा 12 तक, अब फैमिली में प्रॉब्लम था वहाँ से छोड़ दिया मैंने, बट 12 तक पढ़ा मैं, मेरी 12वें उम्र से मैं सोशल वर्किंग में, मेरे को बहुत ये थी, अभी मेरा पहला जो बचपन बचाओ आंदोलन में कैलाश सत्यार्थी का डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम करा मैं, 2 बार दिल्ली को गया था, वो अधिवेशन था बच्चों का, उसके बाद धरती बचाओ में आंदोलन काम किया, फिर प्रकाश रेड्डी के साथ, मेधाताई के साथ 2 महीने काम किया, और वैसे फिर 4-5 साल कामगार यूनियन में काम किया, भटके मुक्त संगठन का तो कंटिन्यू मेरा काम चालू था। अभी ये बाहर के इससे मालूमत से अभी इसके साथ बैठने से क्या अपने को मालूम होता है, कुछ अभी डिस्कशन जो होता है उनका, उनसे अपने को क्या मिलता है, अपने को क्या अनुभव मिलता है, ये मालूमत से मेरे को ये अनुभव मिला। तो अभी आप जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हाँ, तो पढ़ाने के बाद उनको क्या क्या बनेंगे, क्या बनेंगे ऐसा कभी सोचते हैं? अभी ये पांच आंदोलन से जो आप सीखे हैं, हाँ, आपको आप उनको भी आंदोलन में भेजेंगे उनको सीखने के लिए कि ये भी शिक्षा है? नहीं नहीं, आंदोलन एक शिक्षा नहीं है, वो पढ़ने के बाद बच्चा कम से कम 10वीं 12वीं 11वीं तक पढ़े भी तो को ऑटो लाइन में घुसता, ये जो पुराना उसका धंधा जो है काम करने का वो लाइन से थोड़ा अलग जाएगा और एक एक जगह सेटल हो जाएगा,
सेटल होना जरूरी है। हाँ, वो बच्चा सेटल होना जरूरी है। अभी धूप में, बारिश में, पानी में वो क्या काम करेगा उधर। तो अगर आप बोल रहे हैं कि 99% लोगों को पता ही नहीं है 99% शिक्षा का महत्व, और आपको ये अनुभव आंदोलन में जाने से हुआ, हाँ, तो आपको नहीं लगता कि आपके बच्चों को भी ये आंदोलन ये सब में जाएंगे तो वो भी और अनुभव अपना नहीं, वो सोशल इसमें रहे बच्चे, मगर पूरी तरह से नहीं है, मतलब काम भी करते रहे। हाँ, उसका जो पूरा परिवार संभाल के सोशल इसमें जाना जरूरी है। सोशल इसमें भी कुछ किसको अपना परिवार संभाल। हाँ, आप परिवार अपना संभाले तो फिर गए थे इधर? नहीं, मेरी पहले शादी भी नहीं हुई थी जब से मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैं परिवार संभाल के ही कर रहा हूँ। मेरे 3 बच्चे, बीबी है, माँ बाप है, एक छोटा भाई है, वो शादी हुई उसकी। तो अभी यहाँ पे इस एरिया में कितने लोग रहते हैं? यहाँ से अभी 130 घर आए ऐसे, कम से कम इसका बच्चों के साथ मिला तो 500-600 तक लोग रहते हैं बड़ार समाज के। और ये आपस में अगर कोई जब वाद विवाद हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है कुछ, आपस में पंचायत करते हैं? पंचायत बोल के ऐसा नहीं है, जो जाट पंचायत है ऐसा नहीं, उनको समझा के दोनों को भी उसे शिक्षा देना ये नहीं समझ, जरूरी नहीं समझते हम, दोनों के भी समझा के। कौन करता है जैसे बगल में लड़ाई हो गया घर में? हाँ, औरत मर्द में, तो फिर आसपास वाले कुछ करते हैं? आसपास वाले हमारे 2-4 लोग क्या है, जो समझदार लोग है उनको बुला के, और वो दोनों को भी बुला के बिठाते, समझा के दोनों को भी सुलह करके देते। अगर नहीं सुने वो तो सीधा, अगर समझो मियाँ बीबी का झगड़ा है तो अभी महिला तकरार निवारण केंद्र बोल के अपने समझाने से अगर नहीं सुने वो लोग तो उधर डालते, पुलिस स्टेशन में भी लेके जाते उनको उधर से। अब क्या अपना अपना जो बोलते ना, जो अपने इसमें नहीं समझे तो पुलिस स्टेशन में समझाए उनको, बोलने का ये दोनों को ले थोड़ा समझाओ तुम्हारे तरीके से। सही है? हाँ, गुनाह वगैरह मत, कोई कंप्लेंट वगैरह मत लो, दोनों को भी तुम्हारे तरीके से समझाओ जरा। ऐसा हुआ कभी? ऐसा बहुत मैटर गए यहाँ पे, कम से कम अभी मियाँ बीबी के तो हम 13 मैटर ऐसे सुलह करके दिए। उनके खजाने लूटते थे, इसलिए ये लोगों ने इनको पूरे गुनेगार जमात बोल के घोषित किया था। खजाना लूट के क्या करते थे? खजाना लूट के वो जो अपने अभी जबरदस्ती जो टैक्स लेते थे वो टैक्स इंग्रजों का खजाना लूट के वो अपने गरीबों को दे देते थे गांव में। तो अच्छा काम करते? हाँ, वो इंग्रजों के खिलाफ काम करते थे, इसलिए इंग्रजों ने क्या करे कि वो 1871 में गुनेगारी जमात करके घोषित करके हमारे सब भटके मुक्त के सेटलमेंट एरिया में डालते थे। अभी सोलापुर को, बारामती को, और इधर हाँ अमरनाथ, 3 एरिए महाराष्ट्र में थे सेटलमेंट के। अभी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर एरिया था उनको, पूरा कंपाउंड था, बाहर जाने देते थे काम करने, जो उनका रिकॉर्ड देख के एंट्री करके काम करके शाम को आने का, एंट्री करके अंदर जाने का, ऐसा एरिया था। अभी 1952 को, 31 अगस्त 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो सेटलमेंट मुक्त किया। भैया हम हमारा समाज, अब भारत देश 1947 को स्वतंत्र हुआ, मगर घुमंतु समाज ये 1952 को स्वतंत्र हुआ। अभी हम दो बार भी वो जो पुलिस में मानसिकता थी, हाँ, वो तो बरकरार रही बहुत समय तक। अभी मेरे ख्याल से मैं छोटा था, यानी 10-15 साल का था तब की बात है, अगर पुलिस ड्रेस में घर के सामने आए तो हमारे लोग घर में छुप के बैठते थे, कितनी डर थी पुलिस की उनको हमारे समाज में। ये कब तक रहा डर? ये कब, अभी शायद मेरे मालूम याद है आपने कभी पुलिस को देखा और डर के भागे? आपके साथ ऐसा हुआ? हमारे लोग, मैं नहीं जाता था पुलिस को देखते, हमारे लोग क्या किया, अभी वो हमारे सिस्टम में ना बाथरूम के जाने के लिए लोटा जाके देने का, अभी लोटा जाके कहीं खेत में जाके छुप के बैठने का, पुलिस जब तक जाते नहीं, वो ऐसे करते थे हमारे लोग पहले।
अब मेरे को समझ में, मैं 10-15 साल गया, कम से कम 85-88 तक ऐसा था डर। ये भरोसा कब से हुआ कि पुलिस हमारा घर का? जब ये लोग गांव में रहने लगे, थोड़ा थोड़ा गांव के आसपास रहने लगे, गांव के लोगों के बीच में थोड़ी बातचीत होने लगी, तब थोड़ा 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 अभी पुलिस भी आदमी है, कुछ लोग अभी गांव वाले भी कुछ पहचान वाले लोग रहते थे, पुलिस आए तो क्यों डर रहे तुम लोग, ऐसा बोलने से थोड़ा थोड़ा डर कम होते गया। अभी एकदम नहीं, अभी नहीं, अभी तो उल्टा उनके पास जा रहे हैं आप। अभी हमारे तो यहाँ का एरिया तो ऐसा है, हम कुछ भी हुआ तो सीधा अभी कोई झगड़े भी करे, कोई कंप्लेंट भी करे वहाँ पे, तो वो पुलिस स्टेशन का फोन आता है हमारे को, ये लोगों का कंप्लेंट आया है, उनको क्या बात करो, हाँ, करो। समझाओ, तुम्हारे लेवल से समझता है तो नहीं तुम हम लेते, तो हम बोलते हो तुम कच्चे कागज पे कंप्लेंट लेके रखो, देखेंगे कल का कल, ऐसी स्थिति यहाँ पे अब भी है। पूर्ण नाम साळूभाई दशरथ जाकने। जात जाकने मतलब जात ऑर्डर है का झाकने? हाँ ऑर्डर है। हाँ मग जाते चारतो ऑर्डर है। काय काम करते? काय माग फसवून उगा झोपडे घेऊन हिंडायची, कुठे भी खड्या कुड्या काय पाईप नाला रोडाची काम करायची, तिथं पण झोपडे उठायची, मग पुन्हा जायची दुसऱ्या गावाला। कुठल्या गावात जातो? कुठे भी काम निघालं तिथं जायचे। लातूर मध्ये भेटत नाही का? आता मागडला सांगलोला मी, मागडला। हां आता कुठे जाता? आता जात काम करण्यासाठी कुठे जाता तुम्ही? आता जाते ते नाक्यावर जाते, कुठे लागलं तर मोज मजुरी मग येते, मुरमाची लागलं तर लागते दाजरीना, पण वापस येते। आणि समाजातले जे लेकर आहेत तुमचे, लेकर वगैरे शाळेला वगैरे जाते सगळे? जाते कवा जात नाही, ते आमचा एक मुला जाते, कुठलं इथलं जाते, काम झालं की काम निघालं की सांगा माय बाबा सांगा जाते। तर कुठं जाते ती माय बाबा सोबत? कामाला। कामाला बाहेरच्या गावाला? बाहेरच्या गावाला। घराला कुलूप वगैरे लावून? हां इथं कोणच राहत नाही, कोणी, आम्हीच एवढा समकीमध्ये राहतो मीच, बाकीच्या सगळ्या वस्ती, बाकीच्या वस्ती कोणी राहत नाही, त्या कडाला 2-3 घर आहे, तेवढेच लोक राहतात, आम्ही कडाला एक घर, बाकीचे सगळे बाहेर, सगळ्या जातात बाहेर लेकर सोबत। आता आले की साड्या टाकतात, कपडे आला तर चेडी देऊ लागले साड्यातला गुरुजी, पुन्हा झालं की मग सांगा घेऊन जातात। अशानं तुम्हाला वाटतंय का की तुमचे लेकर बी तुमचंच काम करावं का दुसरा असं नोकरीला वगैरे बाहेर लागावं असं वाटत? मग आमच्या लोकाला मग कळावं लागतं की आमचा ओढार लोकाला। आता तुम्ही पाठवा ना तुमचे लेकर, आमच्या लेकराला आमचा संबकीमध्ये आम्ही पाठवलेला, मग दुसऱ्याचे का सांगता येते? तुम्ही सांगायचं की बाबा किती दिवस असंच काम भेटणार आहे का? फार सांगितलं तर आमचं लोक ओढार लोक लई बेकार आहे, हां तुम्ही सांगणार कोण आहे? आम्ही पोटाला चाललो, लेकराला कोण आहे घरी सांभाळायला साड्या टाकायला? नाही पण ती बोर्डिंग मध्ये टाका म्हणा तर भी बोर्डिंग मध्ये लेकरं राहत नाही, पळत येऊला। आम्ही जागापाशी असून बी आमचा नातू जाहना झाले, याला मारून हाणून यांना साड्या शिकविला आम्ही, चटणी बाकर का खायना यांना 12वी पस्तर आम्ही शिकविला, दुसरीला पोरीला बी त्यांना बी 6 पस्तर शिकविला, दुसऱ्याला 7 पस्तर शिकला, ते कामाला गेले। तुम्हाला असं वाटत नाही का की तुमचे बी लेकर कुठेतरी चांगल्या ठिकाणी नोकरीला लागले पाहिजे? सगळ्या फक्त तुमचेच नाही, आम्हाला वाटते मग असा नोकरी लागावा चांगला सुधरावा म्हणून, पर आमच्या लोकाला कळावं लागते कामाला माय बापा सांगा जाते। ठीक आहे, परंतु इथं लेकर जे आता कामाला बाहेर जातात आई वडिलांसोबत, तर म्हातारे कोतारे तर इथं घरी राहत असते? घरी राहत नाही, म्हातारे कोतारे बी कोण सायप्या करावा, कोण अडचणत पडावा, पाणी कोण आणावा, सुना सांगा जाते माघारी, आम्ही एवढा समकीमध्ये आम्ही घरीच राहिला। मग आता शिकवायचंच नाही का? आता शिकवायचं की आमच्या नातूला, तुमच्या नातूला, दोघी नातूला, तिकडले एक आमचा नाताला शिकवला की आम्ही। ही चांगली गोष्ट आहे, तुम्ही शिकवला, तुम्ही कुठं ना कुठं सुरुवात केली। आम्ही कुठे बी जायना झाला घरीच, एवढा अडचणच आमचं हे पोराला शिकविला, मारून हाणून याने बी सोबती धरायची, दोस्ती धरायची, बापांना मारायची हाणायची साड्यात दाडायची असं केलं आम्ही। आता ही काम तर जास्त दिवस चालणार नाही, कारण की आता सारखे आलेले क्रेन आले, फार लोकांना कळावं लागतात की आपण बी तर जलंबर काम केलं, हातात टिका पावडा आले हे लेकराला तर शिकवा म्हणून, फार हे लोकांना कळाना झाले, आपण सांगा गेलं तर पोटापाणीला चाललाव इथं काय कावा असं म्हणतात। समाजात सगळे जे आता काम करणारे जे गडी आहेत आपल्या समाजात लोक, माणसं पुरुष आहेत, तर दारूचं प्रमाण कसं आहे? दारू तर आहे, पिते ते दारू पिते, पत्या कळते
त्यांना कळावं लागते आपला घरचा संसार कसा चालावा कसा नाही, लेकरा बाळा आहे ते नाही, नवरा बायकोचे भांडणं वगैरे भांडणं होऊ लागलेत, मारामारी होते, मग राहते काय ते पोटापुरते आमच्या लोकांचे. इथं किती महिने राहतात इथल्या घरावर? इथं पावसाळा 4 महिने, हिवाळा काय 2-3 महिने राहते, बाकी पूर्ण बाकी पूर्ण बाहेर. अशानंतर लेकराचं काय भलं होणार नाही. आता पावसाळा आले की आता लेकरा जाते आणि ते मॅडमकडं गुरुजीकडं काय चूक नाही, कपडे काय पुस्तक देऊ लागलेत. शाळा मदत करते तुम्हाला? हा शाळा मदत करू लागले, खाण्या पिण्यासाठी देऊ लागलेत दुपारच्याला 2 वाजता. पर का माय बापा कामाला गेले की संघच घेऊन जाते, आपण मनाय गेले की काय तुम्ही आम्हाला देऊ लाव का खाय पियाला, लेकराला कोण आहे सांभाळायला असं म्हणतात. मग बोर्डिंग मध्ये टाका म्हणत लेकरा राहत नाही असं म्हणलं. मला आपल्या घर पुरता ना आपल्या लेकरा पुरते आम्ही राहिला बाग, कोणाला बोललं की आडो बोलते काय बोला. हे आम्ही फिरत होतो मागापरी हे आमच्या पोराला शिकविलं बाग चांगलं. हा आमचा मालक मारायची हाणायची साड्याला धाडलं बाग. आम्ही एका ठिकाणी चटणी बाकर काय ना आम्ही एका ठिकाणी शिक्षण पाहिजे राहिला बघ. आम्ही समाजात लेकराचे लग्न कोणत्या वयात होते, पोरांचं मुलींचं काय असं? काय 18 वर्षे, आम्ही तर 18-20 वर्षाला हिंडलं तर 18-20 वर्षाला केलं बाबा त्यांचं 18 वर्षे. म्हणजे बालविवाह होते बारक्या छोटे मोठे झाले तर मिटून घेते. आपण तर ते भांडायला बी जात ना संभाकीमध्ये बी जात ना, आपण घर बोला ना आपण बोला आणि आपल्या पोरीवाला इथं दिलं बी ना सगळा गेवराय जिल्ह्यात दिला, काय पिणार खाणार काय करा. आणि सोनावाला बी लांबून करून आणला आम्ही, हे चंद्रपूरचं सोनं आहे एक बीड जिल्ह्यातला आहे, मग गेवराय जिल्ह्यात 5 जालना जिल्ह्यात चौकी पोरीवाला दिला. तुम्ही बी काम करता हिरीचं? नाही आम्हाला ईश्वरी झाला, मी घरीच आहो. तुमचं झालं पहिला बाया जे समाजात बाया करते करते बाया सगळं जाते, लेकरा बाळा बाया सगळं झोपडे घेऊन जाते जंगलात काय ते आता साड्या शिकावा काय तर नोकरी लागते आपल्या पुढे चांगला होते. आपलं तर जलंबार गेला आहे मातीचाच, पर आपल्या लोकांना कळत नाही बघ असं राहते. काय शिक्षण शिकतेत काय नोकरी लागतात, तुझं पोराला एक शिकविलं की काय नोकरी लागला का म्हणतात मला. पर संबंध काय तर काय हिसाब तर येते त्यांना लिवायला तर येते. शिकल्यानंतर बँकेचं काम आहे बाकीचे काम आहे तर तशा पद्धतीने त्याला एकदा लोक चांगल्या लोकांपाशी तर बसले ना शिक्षण पाहिजे. कोण अंगुठा ते सही करा म्हणत तर कोणाला बी सही करायला येत नाही, कुठं गेला तर काय त्यांच्या लोकांचे पद्धतच नाही काय तर. मग तुम्ही बाकीच्या समाजातल्या कधी लोकांना आणखीन सांगणार का पुढे याच्या पुढे की लेकरं शाळेला पाठवा? ऐकत नाही तरी प्रयत्न, आपण सांगितलं तरी ऐकत नाही, आडवं बोलतात आपल्याला तो शाने आलास बोलायला म्हणतात असं आहेत. कोणाला कोण सांगा सगळे मतदान करतो. हा सगळ्यांना मतदानाचा अधिकार आहे, सगळ्याकडे कार्ड आहे मतदानाचं आहेत की. तुमच्यापैकी कोण महिला थांबली नाही का मतदानला? चांगला व्हावा बोर्डिंग मध्ये टाकावा सच्ची ठेवावा लेकराला असं नाही बघ, सगळं खेळतात काय माहिती. मग आता कोण आजारी पडलं वगैरे तर कुठे घेऊन जातो? पहिलं दवाखान्यात घेऊन जातं का पुन्हा आणखीन ती भंडारा वगैरे त्याला काय लावून तसले? ते नवस वगैरे करताव ना त्याचा करताव. हा आमचं तर सगळं करताव की बाबा तेच करायचं लागते. हा ते करून पुन्हा काय निघालं तर बाहेर असा निघाल तर काय निघाल तर हा करता मग तसं अंगरोग असतात दवाखान्यात येतं.